बेटा हाँ बाबू कर ये ले रुपये आज ध्यान लगा के न पढ़िए बाबू मेरी चिंता ना करो थाम बेटा के करूँ चिंता तो रहो ऐसे एक बार तू पढ़ लिख के कामयाब हो जा और तेरे फेरे फेर दूँ तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अब बाबू यो ये काम रह गया के थाम मेरी चिंता ना करा करो मैं जाऊँ। बेटा तेरी माँ कह के मरी थी और मेरे बेटे का ध्यान रखिए मनो उसकी बात भी कहने पुकानी पड़े है तो मैं जाऊँ बाबू जी। ठीक से बेटा बेटा मनु सोच था अभी तो तू नौकरी लग गया और कोई बढ़िया सा वाले देख के तेरा रिश्ता कर दू। ये बाबू तेरा अभी रिश्ता रिश्ता हो गया ठीक तो मैं जाऊँ हूँ और अगला महीना मामा छुट्टी। ठीक से बेटा तेरा ख्याल रखिए और हैं ठीक से ध्यान रही है ठीक से जा रिश्ता हो गया नहीं बढ़िया सा ढंग का कोई संस्कारी गुरु आ जाए न्याल हो जाए। अपना घर पूजा कितना गंदा है जी मैं इसमें नहीं रह सकती। नौकर पूजा कुछ दिन एडजस्टमेंट कर ले इसमें बाकी नया बना लेंगे बस थोड़े दिन में चल अंदर चल। तू भी ना बस समरा आगे बेटा बेटा ये कौन से ये बाबू थारी बोडिया है मैंने इससे ब्याह कर लिया। बेटा जीवा अपना आप पे ब्याह कर लिया तो उड़ाने की जरूरत थी बाबू ब्याह तो करना है था आज नहीं तो कह दे। बेटा ब्याह तो करना था पर बालक देखभाल के करा जा है इसमें तो संस्कार नाम की चीजें को नहीं घूंघट काटने की न पैर छूने की न जिधर कोई संस्कार होते को बाबू तू किस पुराना जमाना पड़ा है आजकल मॉडर्न जमाना है क्या आता भी आराम कर ले और हम भी आराम कर ले भी चला जाए। ठीक से बेटा कि मेरे अंदर संस्कार नाम की चीज को नहीं उसकी हिम्मत क्यों करोगी ये बात कहने की। उस बुड्ढे का लेना एक मिनट भी इस घर में को नहीं रहना और कितनी गंदी जगह लिया है मैंने तन्ने के सोची इस गांव में लिया के मेरे पा घर का काम करवाओगा मैं ना करूँ काम कुम और इस बैम में ना रही है। अरे यार पूजा तू क्यों गुस्सा हो रही है काम के तुम घर आराम तो बैठ जा इनमें कौन करना तने बहू। ए बहू बेटा एक कप चाह ले दे। घर में ना नौकरानी क्या रखी सू मैं ना बनाऊं चाचू और मैं तो ना उम्मीद भी ना रखी है कि थाने चा बना बना के पियाऊंगी। ये बेटी इस बात का तुमने बिरस है आजकल के बालक दो अक्सर के सीख जाए हैं और माँ बाप अपने माँ बाप के तुम समझ दो। हे भगवान बहुत बुरा जमाना आ गया और बूढ़े ठहरेगी तो बुझे करेंगे कुकर पार पड़ेगी। इस बुड्ढे ने तो मेरी नाक में दम कर दिया एक तो काम पे काम बताया जाओगा एक तो इतनी गंदी सी जगह में लेके पटक दे इससे तो सबक सिखाना पड़ेगा ये न्यू को नहीं बना। हाय हाय हे राम आ मेरा हाथ जल गया। तो क्या हो गया बेटी ये सब तेरी वजह से होया जब तू मने ये काम नहीं बताता तो मेरा हाथ भी कौन चुड़ा रहे। कोई बात नहीं बेटी जब इतने दर्द हुए लगा ले इसका दवाई लगा ले। आई क्या हो गया ऐसा ये सारी करामात उस बुड्ढे की है मैंने तेरे तो पहला कही थी ना मेरे पा घर का काम ना हो है फिर भी वो मेरा पाछा पड़ा रहा पानी गर्म कर दे करते देखे मेरा हाथ जल गया। अच्छा
आप ढंग तो ना शर्म कौन आई मन अपनी मर्जी के ब्याह कर लिया तेरे सुहाने को लिया तो मन्ने ऐसा क्या कर दिया बेटा कर दिया के उसका जड़ा पड़ा सारा वह भी तो किसी की छोरी होगी गांव की नहीं तो शहर की जब तक एक बार कह लिया उसका काम को ना हो तो को ना हो उसकी काम की कहनी के जरूरत थी एक काम करते हुए तो गोली हो गया राम 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 किस तरह परेशान सा हो रहा के बात हुई तू एक काम करिए मेरे दिमाग में एक प्लान तू सिर्फ मेरी आमा मिला ही देगी ठीक से बाकी काम है ठीक से ठीक है तब एक बात होता ना वह 10 लाख की एफडी कराई थी तूने वह नुएन पड़ी पड़ी डाखन में सड़न लाई थी उन्हें तुड़वा ले वक्त काम आओगी और इस 10 लाख में तो तेरा इतने के बरा कितने घर ले लेगा और 20 कुंगरा जाए दैडी पतरी सेवा करने का कर ठीक है बेटा मैं तो वह बात याद कौन थी अड़ी अड़ास खातरे करी थी तने वाह उस दिन मैं पूछा था के करा है ना एफडी कराना भाई के बराकत टोटम मुसीबत में काम आ गया ठीक है इस तो बड़ी मुसीबत और क्या होगी नु बता ठीक से बेटा मैंने किन किसी तीसरी करी है अपने शहर में किराए का मकान लेके आराम करूंगा आराम ते नौकर काम करेंगे तेरा तो ठीक से बेटा मैं तो भूल गया था ये बात ठीक है चलू मैं तो ठीक से ने किस तरह 10 लाख की लॉटरी ने की फिर क्या हो गया पैसे आवा तो तन्ने बेरा था हाथ पैर जोड़ के लिया गरीब एफडी का तो मन्ने भी कौन बेरा था कोई बात को नहीं छोड़ी बात ने गली दूर को नहीं गया गया बुड्ढा बड़ो कर लिया 10 लाख का सवाल है बात तो ठीक है अपना घर बन जाओगा और बात तो मैं ठीक के कह करू बुड्ढा न लिया आवांगे 10 लाख रुपए लेने का बाद फिर मार देंगे धक्के उसके ठीक से तो पूजा मजा क्या हूं ले आऊं बुड्ढा ने और पक्का लेके आइए चीज की पैरा मलोट जिए ले आऊंगा लेके आइए ले वो बेटी के नाम पानी मंगाऊ तेरे घर से पूजा हाँ पानी लाइए बाबू खतर लो पिताजी पिताजी मेरे तो गलती होगी मैंने आपका बहुत ज्यादा अनादर कराया मुझे माफ कर दो कोई बात नहीं बेटी बड़का गलती हो जा पिताजी आप आराम कर लो मैं रोटी बना दूं और जब कहते हो ना तो पहला चाय बना दूं ना बेटा ठीक सर रोटी बना लो ठीक पिताजी रोटी ले आऊं हां जा आराम कर लेती हूं रोटी ले बस सही बात है विजय का फोन लगा काम तो कर दिया अभी भी नंबर में जी सुना है कि हां सुतेरा होगा कि पीछे एक बात को नहीं करनी बाबू तो है कदे बाबू इन्ना विन्ना कर दे पैसा ना कदे हाथ में सड़ दे रह जावा नो कर तो तबड़िया चा बना ले तने और मैं जाऊं बाबू दोर ठीक से जा ठीक है और बाबू ठीक से
हाँ ठीक सु बेटा। लो पिताजी चाय। पप्पू ने एक बात करनी है तेरे। हाँ बोल बेटा। कि मैं पीछे की जरूरत थी। मैं दूर गया बेटा पीछे। क्यों वो बात में घुमावा है? मैं दूर को नहीं भाई क्यों पीछे पासे? बाबू नू सुनने में आई है मने 10 लाख की एफडी हटा खन्ना तेरा नाम। अच्छा तो नू बाबू याद आ गया थरे? ना इसी कोई बात कर बाबू। मेरी बात सुन ले ध्यान ते। एफडी का नहीं मिला था हमने करना भी। मनु सोच लूंगा इसी औलाद होने तक छत में बेउलाद है ठीक सू। सुन बाबू बने दिन प्राण थे खा लिए जे एफडी का 1 रुपया बिना देना है तो इस घर तली गड़ जा। बात सुन रहे यो घर मेरा से मन में बनवा था। अरे 20 घर पे लिखलोगे थमे। सुन बापू। अच्छा दिमाग दिखाओ मने क्या के सोचे है बापू। कमजोर सीखना है। अरे बापू छोड़ दे।